हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के समेज खड्ड में खोज और बचाव अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जहां बादल फटने के बाद 50 से अधिक लोग लापता हैं और अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट किया, शिमला के रामपुर तहसील, मंडी जिले की पधर तहसील और कुल्लू के गांव जाओन निर्माण में बादल फटने से 50 से अधिक लोगों के लापता होने का अत्यंत दुखद समाचार मिला। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड और फायर सर्विसेज की टीमें राहत खोज और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्य को सुचारू रूप से करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मैं अधिकारियों से संपर्क में हूं और राहत और बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नहीं, अभी हमारी पूरी हाई पावर मीटिंग हुई है। रात को क्लाउड बस्ट हुआ, कोई सुबह का समय था 4:40 के करीब, एक ही रेंज में 3 से 5 तक क्लाउड बस्ट हुए। उस स्थिति में तकरीबन 50 के लोग करीब मिसिंग है, 2 डेड बॉडी रिकवर कर ली है और अभी पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगले 36 घंटों में भी अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं, सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं, एसटीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, सभी से हमारी बातचीत हुई।